हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। आज हम निकले हैं तो देखते हैं, कहा जाते हैं। इच्छा तो थी कि शौभिक को उसके पापा का स्कूल दिखाए। बहुत दिनों से शौभिक बोल रहा था कि पापा आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, मैं देखना चाहता था। तो इसीलिए हम लोग आज घर से तो निकले हैं पापा के, शौभिक के पापा के स्कूल दिखाने के लिए, पर आज संडे है तो स्कूल बंद भी हो सकता है। चलिए जाकर देखते हैं कि मोरियानी रेलवे स्कूल कैसा है। मोरियानी रेलवे स्कूल में हम आ गए हैं। आज खुला है स्कूल, संडे है फिर भी कुछ हो रहा है स्कूल में, तो इसीलिए खुला है। हम लकी है, शौभिक को दिखा पाएंगे स्कूल अंदर से। ये है मोरियानी रेलवे हाई स्कूल। पहले चारों तरफ से स्टूडेंट्स अंदर जाते थे, पर अभी तीन गेट बना दिया है। आज संडे होने के वजह से दो गेट खुला है और जो मेन गेट है बड़ा वाला वो आज बंद है। तो हम अभी इस गेट से अंदर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत पहले प्लेन क्रैश हुआ था, तभी यहाँ पर शीट था, प्लेन का शीट, उसी के ऊपर से स्टूडेंट्स अंदर जाते थे, पर अभी वो हटाकर यहाँ पर पक्का बना दिया है। तो चलिए अंदर जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मोरियानी रेलवे हाई स्कूल ये एसटीडी 1944 में हुआ था। ये है एक गेट, तो अंदर चलिए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आप लोगों को मोरियानी हाई स्कूल का, मोरियानी रेलवे हाई स्कूल का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये टीचर्स कॉमन रूम है, यहाँ पर वहाँ पर है कंप्यूटर सेक्शन। ये है हेडमास्टर का चैम्बर। अभी प्रेजेंट में रथिंद्र कुमार दे है। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी है स्कूल में, वाटर प्यूरिफायर लगाया हुआ है यहाँ पर इस रूम पे। Thank you.
ये मोरियानी रेलवे हाई स्कूल का मेन गेट है, अभी ये बंद है बाहर से। यहाँ पर असम का मैप बना हुआ है और यहाँ जिला का सारे नाम लिखा हुआ है। ये वॉशरूम है। मेरे हस्बैंड भी इसी मोरियानी रेलवे हाई स्कूल में पढ़े थे, उस टाइम का हेडमास्टर था रिस्पेक्टेड मिस्टर बिमल कृष्ण दे सर। ये क्लास 9 है, मेरे हस्बैंड जब पढ़ते थे सेम क्लास यहाँ पर ही क्लास 9 था, अभी भी सेम यहाँ पर ही क्लास 9 है। उनकी तो आज यहाँ पर आकर मेमोरीज फिर से ताज़ा हो गई है। शौभिक, पापा का स्कूल कैसा लगा? लगा। अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड जब पढ़ते थे तभी ये रूम क्लास 8 हुआ करता था, और वो वाला रूम क्लास 7 हुआ करता था। और ये क्लास 5 हुआ करता था तभी, अभी पता नहीं ये कौन सा क्लास है। और वहाँ पर ये ऑडिटोरियम है, चलिए पास जाकर दिखाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड पढ़ते थे तभी वहाँ पर
आर्मी कैंप था। मेरे हस्बैंड जब पढ़ते थे तभी यहाँ पर वाल नहीं था, तो यहाँ पर रास्ता था। कॉलोनी के सारे स्टूडेंट्स इसी रास्ते से स्कूल में आए करते थे, पर अभी वाल हो गया है, बंद है, और सारा जंगल ही हो गया है इस तरफ तो। और एक गेट है, टोटल तीन गेट है, अभी तीन गेट बनाए हैं। तो दो गेट तो मैंने दिखाया है, और एक गेट है उस तरफ है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। जब मेरे हस्बैंड पढ़ा करते थे स्कूल में तभी यहाँ पर गेट नहीं था, यहाँ पर खुला था, मगर सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मतलब इस रास्ते से भी आया करते थे, पर अभी यहाँ पर गेट बना दिया है। देखिए, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर पढ़ाई करते थे तभी बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स थे, एक से बढ़कर एक। प्रीतिमय कौर सर, श्यामपोल विश्वास, उनको बीकॉम सर से ही, बीकॉम सर ऐसे बोल के ही जाना जाता था तब। मनोज कुमार अधिकारी सर, रोमाकांत दे सर, अशोक आचार्य सर, आशु चक्रवर्ती सर, रमेश चक्रवर्ती सर, उनको पंडित सर ऐसे बोल के जाना जाते थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे। हालदार सर और राय दीदीमोनी भी थे उस टाइम पे। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे उस टाइम में, खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट करके निकले हैं स्कूल से। और उनमें से ही एक जन, उनका नाम ना लेने से भी नहीं होता है, कंचन चौधरी जी, अभी IIT खड़गपुर में प्रोफेसर है। और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर गए हैं, जो लोग अभी बहुत ही बड़ा बड़ा नौकरी कर रहे हैं। तो इस स्कूल में मेरे हस्बैंड जब पढ़ते थे उस टाइम पे टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और वैसे ही स्टूडेंट्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी बहुत ही मेहनती थे उस टाइम के स्टूडेंट्स। एनुअल स्पोर्ट्स में रेलवे मोरियानी हाई स्कूल का बहुत ही रिमार्केबल खेल होता था, और स्पेशली गो एज यू लाइक में बहुत ही अच्छा होता था। मोरियानी के सारे पब्लिक यहाँ पर गो एज यू लाइक देखने के लिए आते थे, और फुटबॉल में मोरियानी रेलवे हाई स्कूल का स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा खेलते थे, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जाकर खेल कर बहुत बार जीत कर भी आए हैं। मोरियानी रेलवे स्कूल में आकर बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिन बाद इसे। हम लोग तो मोरियानी में ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी मोरियानी में ही रहते हैं, इस रास्ते से तो जाना आना होता ही रहता है, फिर भी अंदर स्कूल के अंदर नहीं गए थे। तो बहुत सालों के बाद मेरे हस्बैंड भी आज स्कूल के अंदर गए, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। और जो लोग, आप लोग जो मोरियानी में नहीं रहते हो, आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी मेमोरीज ताज़ा हो जाएगी। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे वो दिन ज़रूर याद आ जाएंगे आप लोगों को भी। तो मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरीके की अच्छे अच्छे वीडियोज़ मोरियानी के आप लोगों के सामने लाती रहूं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय फ्रेंड्स।